नेक्स्ट जो है हमने एंडोक्राइन सिस्टम देखना है, बर्ड्स का देखना है और मैमल्स का देखना है। तो इसमें वो कह रही हैं कि कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं ना, माइनर एक्सेप्शंस को छोड़ के इनका एक जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। फिर वो कह रही हैं कि ये टेबल इसे तो छोड़ देना। तो बर्ड्स में देखें कि बर्ड्स में जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं बर्ड्स में, उसके अंदर ओवरी आता है, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड में, इनमें ओवरी जिससे हार्मोन आप रिलीज हो रहे हैं उसे एंडोक्राइन ग्लैंड करेंगे, तो वो ओवरी से रिलीज होने, तो इसमें ओवरी आ गया, टेस्टिस आ गया, एड्रीनल्स आ गए, पिट्यूटरी, थायराइड, पेनक्रियास, पैराथायराइड, पाइनियल, हाइपोथैलेमस, थायमस, एल्टीमो ब्रैंकियल और बर्सा ऑफ फेब्रिकेशियस, ठीक है। तो ये थायमस और तो ये ओवरी, टेस्टिस, थायराइड, पैराथायराइड, थायमस, हाइपोथैलेमस, बर्सा ऑफ फेब्रिकेशियस, एड्रीनल, ये सारे जो हैं एंडोक्राइन ग्लैंड हैं बर्ड्स के अंदर। फिर वो कह रही हैं कि कुछ बर्ड जैसे कि पिजन्स, कबूतर जो होते हैं, और जो डफ फाख्ता होती है, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हार्मोन प्रोलैक्टिन खारिज करता है, जो कि स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन को पिजन के मिल्क की, कबूतर का मिल्क, ठीक है, डीसेक्वेमेशन के ज़रिए से, यानी कि ये स्लफ ऑफ करेगा पिजन की क्रॉप में, यानी कि पिजन की क्रॉप में जो सेल्स होंगे वो स्लफ ऑफ होंगे और उससे होगा प्रोलैक्टिन जो है ये स्टिमुलेट करता है और रेगुलेट करता है ब्रोडीनेस को। ब्रोडीनेस हम मतलब के देख कर आए हैं कि वो पेरेंट अंडे को कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा, हीट देगा, जिससे उसमें से यंग वन बाहर आएगा और कुछ दूसरे पेरेंटल बिहेवियर कराएगा एस्ट्रोजन के साथ मिलकर, और फुल डेवलपमेंट ब्रोड की कराएगा। जो ब्रोड पैच है वो एग को, यानी कि टेम्परेचर 33 से 37 तक का दिया जाएगा। जो बर्ड के मतलब के थायराइड ग्लैंड होते हैं वो हार्मोन थायरोक्सिन पैदा करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा मेजर वर्टेब्रेट फंक्शन, वो टेबल में बताएगी, हम बाद में देखेंगे थायराइड। फिर वो कह रहे हैं कि थायरोक्सिन जो है नॉर्मल डेवलपमेंट फीथर्स की कराता है, और फीथर्स की डेवलपमेंट कराएगा, मोल्ट साइकिल भी कराएगा, यानी कि वो शेड करना ऊपर वाले कवर को, और ये माइग्रेटरी बिहेवियर भी कराता है थायरोक्सिन। फिर वो कह रहे हैं कि मेल बर्ड में जो टेस्टिस होती हैं वो टेस्टोस्टिरोन पैदा करती हैं। जो टेस्टोस्टिरोन होता है ये सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स को मेल के अंदर कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्राइट प्लमिच कलर, उनके पर काफ़ी अट्रैक्टिव कलर के होंगे, कॉम्ब यानी कि उनकी वो जो ऊपर ताज सा होता है जब होगी, और स्पर्स ये भी उनके पर उनकी तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि सारी सेक्सुअल बिहेवियर को, इन चीज़ों के ज़रिए से अब वो अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इनकी काफ़ी अहमियत है। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि कुछ बर्ड पिजन और डव के अंदर क्या होता है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो कि पिजन के अंदर पिजन का मिल्क प्रोड्यूस कराएगा, जो डीसेक्वेमेशन यानी कि सेल्स उतरेंगे उसकी क्रॉप से उससे पैदा होगा, और इसके अलावा ब्रूडिंग का बिहेवियर कराता है, उससे टेम्परेचर यानी कि सही प्रॉपर 33 से 37 मिलता है, और ये मतलब एस्ट्रोजन के साथ मिलकर सही एक्टिविटीज़ कराता है, ठीक है, और दूसरे पेरेंटल बिहेवियर्स को भी कंट्रोल करता है। और तो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन पैदा होता है। अब ये जो थायरोक्सिन होता है ये मतलब कि कंट्रोल करता है थायरोक्सिन माइग्रेटरी बिहेवियर को, और माइग्रेटरी बिहेवियर को और फीथर्स को और मोल्ट को, और इसके अलावा फिर वो कह रहे हैं कि टेस्टोस्टिरोन टेस्टिस से रिलीज होगा, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स को कंट्रोल करेगा, ब्राइट प्लमेज के कलर देगा, कॉम को कलर देगा, स्पर को देगा, ठीक है। अब ये कलरफुल होंगे तो अपोजिट जेंडर इनकी तरफ अट्रैक्ट होगा और फिर जाहिर सी बात है रिप्रोडक्शन होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर वो कह रहे हैं कि ये जो अल्टीमो ब्रांकियल ग्लैंड होते हैं बर्ड्स के अंदर, ये छोटे होते हैं, और एक तो ये छोटे हैं और दूसरा पेयर्ड स्ट्रक्चर है, नेक रीजन में है और पैराथायराइड ग्लैंड के नीचे हैं, और ये हार्मोन कैल्शियम खारिज करते हैं जो कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। तो ये छोटे पेयर्ड ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड के नीचे नेक रीजन में, जो कि कैल्सिटोरिन रिलीज करेंगे जो ब्लड में कैल्शियम को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो बर्सा ऑफ फेब्रिकेशियस जो है ये सैक है जो कि क्लोका के साथ पड़ा होता है, ठीक है, एक सैक लाइक थैले की तरह का स्ट्रक्चर है जो कि क्लोका के साथ पड़ा होगा और इसके अंदर ओपन हो रहा होगा, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि अगरचे ये वेल डेवलप होता है बर्ड की एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो हो रही होती है उसके दौरान, तहम जैसे ही हैचिंग यानी कि अंडे से बच्चा निकलेगा तो उसके बाद ये सिकुड़ना शुरू कर देगा, इसके जो टिश्यूज़ होते हैं वो सिक्रेशंस पैदा करते हैं जो कि वाइट ब्लड सेल की मैचुरेशन कराती हैं, यानी कि बी लिम्फोसाइट की जो कि अहम किरदार अदा करती हैं अम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस में। तो इस सारे में हमने क्या देखा, तो बर्सा ऑफ फेब्रिकेशियस जो कि क्लोका के साथ पड़ा होता है उसमें ओपन भी हो रहा होता है, इसकी डोर्सल साइड पर होता है,
एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान तो होगा, जैसे ही हैचिंग होगी ये सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, इसके जो टिश्यूज़ होते हैं हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, अब इसकी जो टिश्यू सिक्रेशन या फिर हार्मोन रिलीज करते हैं वो मतलब कि वो क्या काम कर रहे होते हैं, वो मैचुरेशन करते हैं वाइट ब्लड सेल टी लिम्फोसाइट की, यानी कि इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस कराते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम लास्ट मैमल्स का वो देखेंगे, एक ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, अब जोलॉजिस्ट को जितना मैमल्स के हार्मोन्स और ग्लैंड्स के बारे में पता है ना, इतना किसी भी एनिमल ग्रुप के बारे में नहीं पता, और इस तरह हम कह सकते हैं कि इन्हें ह्यूमन बॉडी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड देखते हैं, जिसे हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, इसे हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है, हाइपोथैलेमस के नीचे होता है, और इसके दो डिस्टिंक्ट लोब्स होते हैं, एक इंटीरियर लोब होता है सामने वाला जिसे एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, और एक जो है पोस्टीरियर लोब होता है जिसे हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है, ये इंटीरियर पोस्टीरियर रीजन पर होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का, और पिट्यूटरी ग्लैंड खुद कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे पड़ा होता है, इसे हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। अब फिर वो कह रही है कि ये दो लोब्स मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ होते हैं, जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है ये न्यूरो हाइपोफाइसिस से बड़ा होता है, एक तो ये डिफरेंस, और सिक्रेटरी सेल जिसे हम पीटीओसाइट कहते हैं वो एडिनो हाइपोफाइसिस में होते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस में नहीं होते, और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है उसमें नर्व एंडिंग्स होंगी। तो इसमें हमने क्या देखा, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के नीचे पड़ा है, इसे सॉरी हाइपोथैलेमस के नीचे पड़ा है, इसे हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। इसके इंटीरियर लोब जो है उससे हमें एडिनो हाइपोफाइसिस कहें, कि नीचे वाले को जो है हम कहेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब इनमें तीन डिफरेंसेस है, एडिनो हाइपोफाइसिस में पीटीओसाइट सेल हैं जो न्यूरो हाइपोफाइसिस में नहीं है, एडिनो हाइपोफाइसिस साइज में बड़ा है पोस्टीरियर हाइपोफाइसिस से, और जो मतलब कि पोस्टीरियर हाइपोफाइसिस है उसमें नर्व एंडिंग्स हैं जो कि एडिनो में नहीं है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके अलावा टेबल्स में से कुछ फंक्शंस जो टेबल्स बने हुए हैं उनमें से कुछ चीज़ों के फंक्शन जो हैं करने हैं, जो कि मैं आपको फिर नेक्स्ट उसके लिए अलग से एक लेक्चर बना के जो है डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। तो इसी के साथ ही हमारा एंड होता है, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।